बॉलीवुड के अंदर दोस्तों फिल्में तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कुछ फिल्में हिट भी हो जाती हैं, कुछ फ्लॉप भी हो जाती हैं, लेकिन बात करते हैं स्टारडम की, तो ये हमारे हीरो अर्थात सलमान खान साहब का स्टारडम आप सभी जानते हैं कितना ज़बरदस्त स्टारडम है। और ये स्टारडम आज का नहीं दोस्तों, 1990 के दशक का चला रहा है। जी हम बात करते हैं अभी सलमान खान की, किसी का भाई किसी की जान फिल्म आई थी, लेकिन जैसे ही फिल्म आई उसको लेकर काफ़ी नेगेटिव रिव्यू आ रहे थे कि फिल्म फ्लॉप होगी, सुपर फ्लॉप होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई ये भाई का स्टारडम है, सलमान खान का स्टारडम है कि फिल्म ने 3 दिन के अंदर लगभग दोस्तों 100 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, तो इसे कहते हैं असली स्टारडम। जब इतने सारे नेगेटिव रिव्यू आ रहे थे उसके बावजूद भी फिल्म ने भाई 3 दिन के अंदर 100 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, इसे कहते हैं असली सुपरस्टार, असली स्टारडम। जबकि ये कोई एक्शन फिल्म नहीं थी, एक सिंपल फिल्म थी। इस प्रकार की फिल्में दोस्तों काफ़ी पहले बनाई जाती थी, लेकिन सलमान खान ने इस प्रकार की फिल्में बना के दिखाई है, काम भी करके दिखाया, और इतने अधिक नेगेटिव व्यूज़ आने के बावजूद भी इतना अच्छा कलेक्शन इस फिल्म ने दोस्तों करके दिखाया। बाकी सलमान खान के साथ इस समय कुछ और भी ज़बरदस्त फिल्म आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले करण जौहर और सलमान खान साथ आ रही है, दोनों ने 25 साल पहले दोस्तों पहले काम किया था, लेकिन अब एक दोनों इस प्रोजेक्ट को लेकर काम आ रहे हैं। करण जौहर काफ़ी इंप्रेस हुए हैं सलमान खान की जो पर्सनलिटी देखकर, उनके स्टारडम को देखकर, और अब एक मेगा फिल्म बनाना चाहते हैं करण जौहर। करण जौहर को आप सभी जानते हैं, कोई भव्य फिल्म बनाते हैं, अब वो दोस्तों सलमान खान को लेकर फिल्म बनाने वाले हैं। जबकि फिल्म का टाइटल दोस्तों अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट पक्का है, 500-600 करोड़ में ज़बरदस्त एक्शन फिल्म बनने वाली करण जौहर के साथ। हो सकता है कि जो ब्रह्मास्त्र फिल्म थी उससे भी ज़्यादा फिल्म, उससे भी ज़्यादा इस फिल्म का दोस्तों बजट आपको देखने को मिले। बाकी सलमान खान की कुछ अपकमिंग फिल्म को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले फिल्म आ रही है टाइगर 3, जिसका दोस्तों बज ज़बरदस्त है, इंटरेस्ट ज़बरदस्त है। अगर इस फिल्म की लागत की बात करूँ 300 करोड़, लेकिन भाई ये फिल्म कमाने वाली है लगभग 1000 करोड़। वहीं करण जौहर व सलमान खान दोनों काम कर रहे हैं, इस फिल्म का भी दोस्तों टाइटल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन 400-500 करोड़ आप बजट मान सकते हैं, फिल्म कमाई करेगी 1000 करोड़। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म, जी हाँ, टाइगर वर्सेस पठान, जिसको लेकर अभी काफ़ी दिन से मांग थी इस फिल्म को लेकर, इस फिल्म को मांग तैयार किया जा रहा है, उस फिल्म पर काम किया जा रहा है, और ये फिल्म भाई ज़बरदस्त होगी। फिल्म का बजट ही आप 500-600 करोड़ मान सकते हैं, फिल्म कमाई करेगी कम से कम 1000 से 15 करोड़, तो भाई दोस्तों ये फिल्म दोस्तों कमाई करने वाली है। इस फिल्म को सभी फैन देखना चाहते हैं, इसके ऊपर भी काम होना भी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद सलमान खान की फिल्म किक 2 है, किक 2 भी अगर बार बार न्यूज़ आती रहती है ये फिल्म बनेगी, देखते हैं कैसी बनती है, कितना कलेक्शन कर पाती है। उसके बाद नो एंट्री में एंट्री, ये सलमान खान की एक और फिल्म है जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ सलमान खान के ऊपर बॉलीवुड के अंदर लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपये का कलेक्शन लग रहा है। बाकी अब देखते हैं कि सलमान खान एक बड़े स्टार है, लेकिन एक अच्छे डायरेक्टर अगर सलमान खान को मिलते हैं तो सलमान खान ज़बरदस्त वापसी भी करके दिखाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्म के बारे में, और अभी आपने सलमान खान की फिल्म देखी तो आपका क्या विचार है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो दोस्तों, मैं इंतजार करूँ आपकी रिप्लाई का।